जी हाँ दोस्तों, पोको इंडिया ने अपने सभी फोन्स की वारंटी को 2 महीने तक बढ़ा दिया है। तो जिनकी भी वारंटी मई या जून में खत्म होने वाली थी, उनकी वारंटी को अगले 2 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कि उनकी वारंटी अब जुलाई से लेकर अगस्त तक मानी जाएगी, जो कि काफी सही डिसीजन है और बाकी कंपनीज को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए। अब पोको M3 प्रो की बात करें तो ये फोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुए पोको M2 प्रो का सक्सेसर होगा। ये एक बजट 5G फोन होने वाला है, जो कि ग्लोबली 19 मई को लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया में ये फोन जून तक आएगा, क्योंकि इसको लेकर पोको इंडिया ने अभी तक कोई टीजर जारी नहीं किया है। और वैसे ये फोन Redmi Note 10 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो कि मेरे हिसाब से Redmi Note 10 5G के साथ या फिर उसके बाद ही लॉन्च होगा। लेकिन फिर भी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस बार इसमें एकदम फ्रेश लुक और डिजाइन दिया गया है, जो कि काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सुपर स्मूथ 90 हर्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है, जो कि एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, और यूजर्स के हिसाब से इसकी रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी, जो कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी होगी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज की है, जो कि मिडिल सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आर्म माली G57 की GPU दी जाएगी। ये चिपसेट मॉडरेट लेवल की गेमिंग या फिर डेली यूजर्स मल्टीटास्किंग को इजिली हैंडल कर लेगी, लेकिन फिर भी हैवी या फिर हाई सेटिंग्स गेमिंग पे आपको लैग देखने को मिल सकता है। वैसे इसमें LPDDR4X कैटेगरी के रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि एप्स या फिर गेम्स को थोड़ी जल्दी ओपन करेगा। ये 6GB रैम के साथ 128GB के स्टोरेज वेरिएंट में आएगा, और हो सके तो इसका 4GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च होगा। इसका एंटीटू स्कोर की बात करें तो ये लगभग 3,29,000 के आसपास निकल कर आती है, जो कि Realme 8 5G या फिर Oppo A53s से भी ज़्यादा है, और ये इन फोन्स को डायरेक्ट टक्कर देने वाली है, क्योंकि इसके कंपेयर में इसकी प्राइसिंग भी कम होगी। अब कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और फ्रंट में सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह रहेगी कि इसके फ्रंट और रियर कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि बजट सेगमेंट में काफी अच्छा रहेगा। अब बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वैसे चार्जिंग के मामले में ये थोड़ा स्लो है, लेकिन प्राइस के हिसाब से इतना एक्सेप्टेबल होगा। वहीं इसके अदर फीचर की बात करें तो इसमें डुअल 5G का सपोर्ट मिलेगा, और ये लगभग सारे 5G बैंड को सपोर्ट करेगा। OnePlus 9 सीरीज के जैसा नहीं कि सिर्फ 5G के नाम पे एक ही बैंड मिले। बाकी इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, 3.5mm हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर और शायद NFC का भी सपोर्ट मिल सकता है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अब प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 14,000 के आसपास में होगी, जो कि 5G के हिसाब से अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।